नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आपसे पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अगली वीडियो में ओवरलैपिंग के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ओवरलैपिंग को अच्छे तरह से समझना है ना, तो आप वीडियो को बिना स्किप ये देखिए कि ओवरलैपिंग होता क्या है। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कक्षाओं को आपस में मिलना। ठीक है, आपने 10th पे पढ़ा होगा हमारी जैसे कि कक्षा है जैसे कि एस पी डी एफ, मैंने पढ़ाया था ना आपको, उसमें पढ़ाया था एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था। ठीक है, तो ये हमारी कक्षा है और इसका शेप जो होता है ना, ये एस का होता है गोलाकार। ठीक है, इसका होता है डंबल के आकार का ऐसे, और इसका डबल डंबल होता है, इसका एक इधर से रहता है एक इधर से, दोनों साइड से सेम रहेगा। मैं इससे थोड़ा गड़बड़ सही बन नहीं रहा है, तो आप लोग इसको परफेक्ट बनाइएगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होता कैसे है देखिए। जैसे मान लीजिए हमका एच टू बनाना है। ठीक है, एच टू दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो एक हाइड्रोजन का 1s1 था। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, वो भी s में। तो s का शेप कैसे है, गोला। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन ले लेंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 होगा। ठीक है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसको कराना है हमको ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे दिखाएंगे इसमें, तो एक हमारा हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन हमारा ये है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया एक हाइड्रोजन हो गया, दोनों को मिलाना है। ठीक है, मिलाने से हमारा ओवरलैपिंग मिलेगा, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो ये जब मिल गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हमारा बन गया एच टू। ठीक है, तो ये एस एस ओवरलैपिंग है। ठीक है, क्योंकि इसका भी एस ऑर्बिटल है, देख रहे हैं यहाँ पे एस और एस, इसका भी एस है। तो इस प्रकार जो हमारा ओवरलैपिंग करके बनेगा, उसे हम लोग बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग, ओवर लैपिंग। ठीक है, अब एक दूसरे में देखते हैं, एक और एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एच एफ का। ठीक है, एच एफ। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक इसका हो गया। ठीक है, और एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 9। ठीक है, अगर एफ का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे, एफ का यहाँ पे कर देता हूँ मैं, एफ का तो यहाँ पे हो गया 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 और 5, 5 जाना हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे पी में आ रहा है ना, तो पी में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 5 तो भरेंगे, 1 2 3, इसमें 3 सेल होता है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 3 4 5, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, और अगर हम सिंपल से दिखाएं तो एच प्लस एफ मिलकर बन गया हमारा एच ए बनता है। ठीक है, इसके पास एल इलेक्ट्रॉन 2 4 6, ठीक है, और 1 7। ठीक है, ऐसे दिखाएंगे तो, और 2 पहले वाले में आ गया। ठीक है, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिलकर बनेगा सिंपल से, अगर सिंपल कोवलेंट बनेंगे तो एच एफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसके इसके बीच में बॉन्ड। ठीक है, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप करके एच एफ बनाएगा। अब देखिए कैसे बनाता है, तो देखिए एस एस का शेप कैसा है, गोलाकार, मैं ऊपर दिया था गोलाकार। ठीक है, एफ एफ का शेप कैसे है, एफ का इलेक्ट्रॉन किस में है, मैं ये देखूंगा, एफ का इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में। पी का शेप कैसा है, पी का शेप देखिए, ये डंबल के आकार का है। ठीक है, तो इसमें हम डंबल के आकार का बनाएंगे, तो देखिए एफ का शेप कैसे बनाएंगे, प्लस में एफ का शेप
कोशिश करूंगा सही से बने, इस बार सही से बना है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हो गया फ्लोरीन। ठीक है, अब तो जब हमारा हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलेगा, ठीक है, तो ये बनेगा HF। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का, और ये हमारा हो गया फ्लोरीन का। ये डंबल के आकार का बनाना है इसको, या ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, और ये हमारा जो ये आंशिक रूप से एक दूसरे से मिल रहा है ना, यही हमारा है ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास और फ्लोरीन हाइड्रोजन के पास, और दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है इसमें फिल हो जाएंगे। बहुत लोग इसको क्या करते हैं ना, ऐसे 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 भर देते हैं, ये भी सही है, या फिर इलेक्ट्रॉन दिखा दो ये भी सही है। तो सीधी सी भाषा में है ओवरलैपिंग का मतलब कि कक्षाओं का आपस में मिलना। इसका देख रहे एक्स कक्षा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसमें पी का एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये एक दूसरे को एस कक्षा और पी कक्षा आपस में मिल गए, तो ये जो ऑर्बिटल का जो मिलना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर भी अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप कुछ उसका ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ताकि आपकी टाइम में बचत हो, और जो टाइम बचे उसमें आपको बहुत अच्छे तरह से समझा सकूँ। अगर फिर भी दोस्तों का कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूर्ण कक्षा, दो परमाणु जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ये अर्धपूर्ण है ना, एक खाली है एस में एक खाली है पी में, यही बोल रहा है, एक से अधिक भी खाली हो सकते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा कैसे उसका ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूर्ण कक्षा आपस में मिलकर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंधन देख रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन मिला एच बना, तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, तो इसे अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग कहते हैं। देख रहे हैं, जब एच और एफ मिलकर एच एफ बनाया, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग जो इसके जो ऑर्बिटल मिलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं अतिव्यापन। ठीक है, और अब पढ़ेंगे हम लोग अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं आगे की वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।